वेलकम बैक माय फ्रेंड्स, दिवस शेष में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ कुशल मंगल होंगे और अपनी अपनी वेट शेविंग को भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज जो मैं एक प्रोडक्ट लेकर आया हूं आपके सामने, आज मैं केवल उसका रिव्यू करने वाला हूं और वो जो है एक ब्लेड है। सो एज यू कैन सी बोश कोट और यहाँ पे रशिया में लिखा है। तो इस मेड इन रशिया ब्लेड, तो वोशकोट ब्लेड इज वेरी वेरी पॉपुलर अमंग इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ वेट शेवर्स। तो इससे शेविंग का क्या मेरा एक्सपीरियंस रहता है, आज मैं इसको शेयर करूंगा। और काफी समय से इसको प्रोक्योर करने की मेरी चाहत थी, जो हाल ही में हमारे वेट शेवर्स ऑफ इंडिया का जो हमारा FB फेसबुक का ग्रुप है, उसके एक बहुत ही एस्टीम्ड मेंबर कुणाल खट्टर जी, उन्होंने मेरे को मुहैया कराया। उन्हें 7-8 उन्होंने मेरे को ऐसे ब्लेड के कुछ सैंपल्स भेजे, तो बहुत रेयरली अवेलेबल है। थैंक्स अ लॉट कुणाल जी। तो लेट अस सी हाउ इट परफॉर्म्स टुडे एज पर माय यू नो एक्सपीरियंस। सो और फॉर शेविंग आई एम गोइंग टू यूज वन ऑफ माय फेवरेट्स। शुरुआती दिनों का ये मेरा बड़ा ही फेवरेट रेजर रहा करता था, काफी टाइम से मैंने इसको यूज नहीं किया। अब जो है रेंज इतनी बढ़ गई है हमारी कलेक्शन की कि रोटेशन में काफी दिनों के बाद इसका नंबर आता है, पाका 91R। तो शुरू में जब मैं वेट शेविंग से जुड़ा था और थोड़े से प्रीमियम उसमें शिफ्ट हुआ रेजर की कैटेगरी में, तो ये उनमें से काफी खास था और आज भी है। तो चलिए सबसे पहले इसको लोड करते हैं। तो वोशकोट सुपर स्टेनलेस, और यहां पे कुछ ऐसा लिखा है। तो ये कर दिया मैंने इसको लोड। और आज मैं लादरिंग के लिए याकी का अटलांटिस ब्रश यूज करूंगा। इसको मैंने हल्के से ल्यूक वॉर्म वाटर में डिप कर लिया। एंड फॉर नो व्हाट आई एम गोइंग टू यूज टुडे, आज शेविंग क्रीम नहीं, आज एक सोप यूज करेंगे। काफी समय पहले मैंने इसका 2 साल पहले रिव्यू दिया था और ये भी मेरे को हमारे बेस्ट शेवर्स ऑफ इंडिया के अगेन एक और जो है महामहिम मेंबर आशीष आहूजा जी ने मेरे को ये सैंपल गिफ्ट किया था और मैं इसका रिव्यू दे भी चुका हूँ। तो ट्रैवलिंग में मेरे काफी काम आता है, तो आज फिर से मैं इसको यूज करूंगा। चलिए, तो दिस इज लिया शेविंग सोप। प्रोडक्ट इज मेड इन स्पेन। सो इस तरह की ये पैकेजिंग में आता है और मैंने क्या किया, मैंने पूरी की पूरी शेव स्टिक ही निकाल ली। शेविंग स्टिक के साथ मजेदार बात यह है कि हल्के से पानी में डुबा के आप इस तरह से अपनी स्टबल में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। एंड दिस इज अगेन अ टेलोबोस बेस्ड प्रोडक्ट। तो जो लोग वेगन है या एनिमल प्रोडक्ट यूज करने में परहेज रखते हैं, उनके लिए ये प्रोडक्ट नहीं है। So that's enough. इस तरह से वापस। Squeezing out all the extra water. So let's create the lather. इंटरनेशनल जितना भी मैंने अपने डीई ब्लेड्स यूज किए अब तक, उसमें मेरे को जिलेट एस्ट्रा बहुत पसंद आया है, फिर बेक
मेड इन ग्रीस, बिग के ब्लेड्स भी बहुत ही शानदार हैं, बहुत शार्प हैं। फैदर से मेरा रिलेशन जो है वो लव हेट का है। कुछ रेजर्स में वो बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है, कुछ रेजर्स में बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाता अप टू माय सेटिस्फेक्शन। बट ये एक बात माननी पड़ेगी कि फैदर के जो ब्लेड्स हैं काफ़ी शार्प होते हैं, स्मूथनेस मेरे को उसमें कम लगती है। आज की डेट पे अगर आप मेरे से पूछो, माई रिक्वायरमेंट इज दैट स्मूथनेस और शार्पनेस का अगर बेहतरीन कॉम्बिनेशन मिल जाए तो क्या बात है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन मेरे को अब तक बिग ब्लेड्स में मिला है, इवन पोल सिल्वर आल्सो, नो डाउट अबाउट दैट। इस तरह से पेंटिंग स्ट्रोक्स और अच्छा लादा बन गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट पास की विद द ग्रेन पार्कर 91R रेजर लोडेड विथ वॉशकोड स्टेनलेस ब्लेड। और इसका पहला इस्तेमाल होगा फर्स्ट पास। शानदार, काफी बेहतरीन तरीके से इसने स्टेबल को रिमूव किया है। वेरी स्मूथ, दोस्तों इस सोप की स्लिकनेस शानदार है। Second pass across the green.
काफी बेहतरीन तरीके से इसने स्टबल को रिमूव किया है, बट यहाँ हल्का हल्का सा, बहुत हल्की सी स्टबल बाकी है। नॉट्स ओके। चलिए लेट मी वॉश माय फेस, फिर मैं एलम अप्लाई करता हूँ, उसके बाद आफ्टर शेव, और फिर मैं इस पर्टिकुलर ब्रेड के एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे जो है हल्की सी इरिटेशन और बर्निंग मेरे को ज़्यादा हो रहा है। यस, खैर मैंने वहाँ रेजर को चलाया भी 4-5 बार ज़्यादा। नाउ कम टू द पोस्ट शेव। सो टुडे आई एम गोइंग टू यूज हार्वर्ड बाय मार्क्स एंड स्पेंसर आफ्टर शेव लोशन। मेस्मराइजिंग, बहुत ही बेहतरीन स्मेल है इसकी, एंड वेरी लाइट, इट लिंगर्स ऑन फॉर नॉट मोर देन 30 or 40 minutes, आफ्टर दैट इट डिसिपेट्स, एंड नॉट एट ऑल ओवरवेलमिंग स्मेल। तो चलिए आते हैं मुद्दे पे, एंड व्हाट्स माय टेक ऑन दिस ब्रेड। तो देखिए जितना मैंने सोचा था उतना तो मेरी जो एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतरा ये क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि ये हल्का सा, बहुत हल्का सा टक कर रहा था, हल्के से बालों को खींच रहा था। तो शार्पनेस जो है इसकी बिक से, एस्ट्रा से काफ़ी कम है, मुझे लगा काफ़ी कम है, मैं कह सकता हूँ हाँ काफ़ी कम है मेरे हिसाब से। और अगर मैं अपने इंडियन ब्रेड्स की भी बात करूं तो मैं आज भी विल्किंसन सोर्ड को प्रेफर करूंगा ओवर दिस। अब हो सकता है लॉट का फर्क हो, जो भी हो, बट हल्की सी टगिंग मेरे को लगी, बट और शार्पनेस भी कम है, बट स्मूथनेस के मामले में क्योंकि मेरे को टगिंग महसूस हो रही थी तो स्मूथनेस भी उस लेवल की नहीं लगी जिस लेवल की मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो शेव इसने ठीक ठाक निकाली है। अब मेरे को ये नहीं पता है कि ये टेफ्लॉन वाला है जो ज्यादा शार्प है क्या। अगर आप इस बारे में जानते हो, इस जो है वीडियो को देख रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, और मैं कुणाल जी से भी पूछूंगा उनके व्यूज इस पर्टिकुलर ब्रेड के ऊपर। तो इट परफॉर्म्स परफेक्टली फाइन फॉर मी, बट जिस तरह से इसका जो ऑरा है वो मेरे को नहीं लगा है सच की, दिस इज या ओवर हाइप तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि हर, फिर मैं वही कहता हूँ ना कि हर जो शेविंग वेट शेविंग की दुनिया है ये एक बड़ी सब्जेक्टिव दुनिया है, हर लोग को हर चीज़ पसंद नहीं आती। तो ओवरऑल इट्स ओके स्प्रेड फॉर मी, और ठीक ठाक इसने मेरी निकाली, और मुझे लगता है इसका माइलेज मेरे लिए तो 2 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं रहने वाला है, परफेक्ट। कमिंग टू अदर ब्रेड प्रोडक्ट्स, लिया एज यूजल परफेक्ट, बहुत ही बेहतरीन लादा बना के देती है ये, देता है ये शेविंग सोप, या कि अटलांटिस का कहना ही क्या, बहुत ही अच्छा, और काफ़ी इसके ब्रिसल्स जो हैं वो सॉफ्ट हैं और अच्छा लादा कम टाइम क्रिएट करके देता है। 91 आर, अब मैं तुम्हें थोड़ा ज़्यादा यूज़ करूंगा, 6-7 शायद महीने बाद मैंने यूज़ किया, बीच में कोई याद नहीं कब मैंने यूज़ किया था, मगर आज भी अच्छी इसने शेप निकाली है। सो आई एम गोइंग टू यूज इट अगेन, एंड इफ यू हैवन ट्राइड दिस
ट्राई इट, अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव बट वर्थ इन योर कलेक्शन। सो दोस्तों, ये था आज का मेरा शेविंग रिव्यू बोस्कोट ब्लेड के बारे में, जो एक रशियन ब्लेड है। तो अगर आपने इसका इस्तेमाल किया है तो ज़रूर अपने एक्सपीरियंस को शेयर करिएगा एक दो लाइनों में कमेंट बॉक्स में। बाकी एज यूजुअल मैं क्या कहूँ, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, अपने गोल्स के पीछे लगे रहिए और ज़िंदगी के मोमेंट्स को एंजॉय करिए। दैट्स ऑल, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं जल्दी।